क्रिप्टो मार्केट में पूरी गेम को पलटाने के लिए सोलाना आ चुका है, जो कि XRP को बहुत बड़ा कंपटीशन दे रहा है इस वक्त। यानी कि इसके बाद सोलाना BNB का एक बहुत बड़ा कंपटीशन बनने वाला है। जब BNB और सोलाना आपस में भिड़ेंगे और हम देख रहे होंगे कि टॉप 3 ऑल्टकॉइंस में से एक सोलाना भी होने वाला है, जो कि एक समय पे लगभग $250 के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। सोलाना एज ऑलवेज हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑल्टकॉइन बनकर रहे, लेकिन सोलाना के ऊपर जो बिल्ड किया गया बॉन्क कॉइन है, बॉन्क जो कि बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन दे रहा है इस वक्त सभी डॉग बेस्ड या फिर डॉग थीम्ड कॉइन्स को, जिसमें डॉज का आता है, शिबा इनू आता है, जितने भी कुत्ते बिल्लों वाले जितने भी कॉइन्स हैं उन सभी को बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन बॉन्क इस वक्त दे रहा है। तो सोलाना और बॉन्क इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जाने वाले इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको एक जो सबसे अच्छी खबर है वो तो अभी बता देता हूँ कि कॉइन बेस के ऊपर बॉन्क कॉइन आ रहा है। आखिर ऐसा क्या कर दिया इस बॉन्क टोकन ने, जो कि सोलाना बेस्ड टोकन है, कि इसकी लिस्टिंग सीधा कॉइन बेस के ऊपर होने वाली है। Coinbase ने सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ एक और भी बड़ी अपडेट दी है जो हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल के दबा लीजिए और इसी के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए वॉफ्टेड ऑफिशियल। आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पे हम हर एक अपडेट सबसे पहले डालते हैं। एंड अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं हमारे ट्रेडर्स के साथ तो आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वॉफ्टेड डिस्कस के नाम से हमारा ग्रुप है। तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। किसी भी तरह का आपका सवाल है आप यहाँ पे डालिए, मैं आपको हर एक चीज का जवाब खुद पर्सनली देने वाला हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि शुरुआत कहाँ से करें, लेकिन सबसे पहले हम बॉन्क कॉइन का ही समझ लेते हैं क्योंकि इसकी न्यूज ही बहुत ज्यादा बुलिश है। तो बॉन्क कॉइन, अब ये इंग्लिश में बॉन्क लग रहा है, लेकिन हिंदी में या पंजाबी में बोले तो भौंक लग रहा है कि हाँ, एक भौंकने वाला कुत्ता। जी हाँ फ्रेंड्स, भौंकने वाले कुत्ते या कुत्ते हो, बिल्ले हो, जैसे भी हो, चाहे यहाँ पे मेंढक हो जाए, तो पेपे जैसे कॉइन्स, ऐसे इस तरह के कॉइन्स ही चल रहे हैं मार्केट में। लेकिन अगर ये धीरे धीरे आगे आने वाले समय में कुछ अच्छी यूटिलिटी लेकर आते हैं या फिर अपना कॉइन या अपना प्रोजेक्ट बेटर करते हैं शिबा इनू की तरह, तो इनकी पोजीशन भी बेटर हो जाती है, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स भी आना शुरू हो जाती है। आज अगर आप डॉज कॉइन देखते हो तो डॉज कॉइन का एक्चुअल कॉइन मून के ऊपर ले जाया जाएगा, जो कि दिसंबर महीने के अंदर ही होने वाला है। बहुत ही कम दिन बचे जब डॉज कॉइन को एक्चुअल में ले जाया जाएगा मून के ऊपर। इसी के साथ साथ अगर हम शिबा इनू की बात करें, 16th रैंक के ऊपर चल रहा है। शिबा इनू ने इतना बड़ा इकोसिस्टम रेडी कर लिया है, इनका मेटावर्स है, इनकी गेम्स हैं, इनके ऊपर प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय हो रहे हैं, शिबेरियम इनकी खुद की ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन बहुत तेज है, जो फीस है बहुत कम है एज कम्पेयर टू इथेरियम, तो जिसके ऊपर इथेरियम के ऊपर लगभग आधा घंटा लग जाता है एक ट्रांजैक्शन का, और $15, $20, $30, $40 पता भी नहीं होता कितने डॉलर लग जाते हैं। तो उनको ये कंपटीशन दे रहे हैं ये प्रोजेक्ट, जिसमें शिबा इनू आता है एंड इवन सोलाना जैसे प्रोजेक्ट आते हैं, या फिर इवन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि कार्डानो, एवलांच, ट्रॉन, तो ये सारे के सारे एक से बढ़कर एक हैं। तो मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि बॉन्क जैसे कॉइन्स भी सिर्फ सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर होने की वजह से इतना बड़ा इन्होंने नाम कमा लिया है। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर मेंशनड है कि लगभग 6.5 लाख होल्डर्स हैं इनके, 113 इंटीग्रेशन हैं, 10 चेन्स के ऊपर बॉन्क ऑलरेडी भौंक रहा है। वैसे नाम से मुझे लग रहा है कि शायद किसी इंडियन ने इसका नाम रखा होगा या फिर किसी इंडियन का ही कॉइन होगा। तो ऑलरेडी बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, क्यूकॉइन के ऊपर, बायबिट के ऊपर, सुपरएक्स, गेट, एसटीएक्स, जुपिटर एक्सचेंज, तो यहाँ पे इस बड़ी से बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा क्या, इससे ज़्यादा सिर्फ एक ही चीज़ रहती है जो बची थी, वो है Coinbase। तो Coinbase ने भी यहाँ पे फाइनल अनाउंसमेंट कर दी है कि वो सोलाना बेस्ड बॉन्क टोकन को भी लिस्ट करने जा रहे हैं। तो अभी ये टॉप परफॉर्मिंग मीम कॉइन्स में से एक आ रहा है बॉन्क कॉइन, जो आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी जल्दी, इतने थोड़े समय के अंदर इन्होंने इतना बड़ा एक तो प्राइस सर्ज ले लिया, यानी कि इतना अच्छा प्रॉफिट भी दिया होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, इसी के साथ साथ नाम भी कमा लिया और Coinbase के ऊपर डायरेक्टली ये लिस्ट भी होने वाला है। और रीजन सिर्फ एक ही है कि ये सोलाना बेस्ड मीम कॉइन है एंड ऑलरेडी डॉज एंड शिबा को बहुत बड़ा कंपटीशन भी दे रहा है। रैंक वाइज देखें तो ऑलरेडी ये 86 रैंक के आसपास चल रहे हैं। इसका वॉल्यूम हमेशा बड़ा हुआ होता है, यानी कि 24 आवर्स का वॉल्यूम जो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है हमेशा बहुत ज्यादा होता है। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप ऑलरेडी $1 बिलियन से ऊपर चल रहे हैं और इसकी मैक्सिमम सप्लाई कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इनमें 0 तो है काफी ज्यादा, लेकिन ये सिर्फ 100 ट्रिलियन बॉन्क के आसपास है। अब यहाँ पे मैं अपडेट जो शेयर कर रहा हूँ वो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, तो बॉन्क की लिस्टिंग को लेकर न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी थी जब इसके अंदर लगभग 8-10% का इंक्रीज आया था, लेकिन अब फाइनली इसको लिस्ट भी कर दिया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है, सोलाना ब्लॉकचेन, सोलाना ब्लॉकचेन ने नाम ही इतना कमा लिया है। आज अगर हम सोलाना देखें तो आर्बिट्रम को, बाइनेंस स्मार्ट चेन को, पॉलीगॉन, एवलांच, थॉर चेन, इथेरियम, सारी ब्लॉकचेन्स को बहुत बड़ा कंपटीशन ऑलरेडी दे रहे हैं। जो काम सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर हो सकता है वो शायद किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं हो सकता। बुल मार्केट आने के साथ साथ आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी कि इसमें सडनली बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें मिला है।
ये 2023 की ही बात है जब ये $13 के आसपास पहुंच चुका था। $9-10 के आसपास हमने बाय भी किया था, काफी सारे कॉइन्स बाय किए थे, और अभी ये ऑलरेडी $70-75 तक जाके आ चुका है, वापस नीचे भी आना शुरू हो चुका है। यानी कि अब फिर से आपको एक बाइंग रेंज मिल रही है, यहाँ पे आप करेक्शन का फायदा उठाकर अभी सोलाना को फिर से बाय भी कर सकते हैं। तो सोलाना बार बार मौका नहीं देता है, तो मुझे यहाँ पे पूरी उम्मीद है चाहे भी बॉन्ग के नाम पर चाहे किसी भी कारण बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा एंड आपको बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। अब Coinbase की एक और छोटी सी अपडेट है, छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। Coinbase पहले क्या था कि सिर्फ US रेगुलेटरी के अंडर काम करता था, लेकिन अभी Coinbase स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग इंटरनेशनल एक्सचेंज बनने जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनली सभी को ये सर्विसेज अवेलेबल होने वाली है। अब मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे लगभग सारी एक्सचेंजेस का जो एक मोटिव होता है वो यही होता है कि वो ग्लोबली सभी को सर्व करें, लेकिन SEC यहाँ पे जो एजेंसी है उन्होंने ऑलरेडी Coinbase को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। इससे पहले आपको पता ही है कि Binance को कितना ज़्यादा तंग किया, जितनी सारी भी एक्सचेंजेस हैं हर एक एक्सचेंज को बहुत बुरे तरीके से SEC तंग करता है। FTX का आपने हाल देखा है, तो लगभग सारी एक्सचेंजेस परेशान होकर फिर दुबई वगैरह सिंगापुर जैसी कंट्रीज में जाना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इट्स बेटर वे कि इस तरीके से समाओ जितने भी लूप होल्स होते हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं और सारी एक्सचेंजेस एक अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देती है मार्केट में। अब Coinbase इंटरनेशनली आएगा तो हमें हो सकता है कि इंडिया में भी मौका मिले कि इंडिया में भी हम इजिली Coinbase को एक्सेस कर पाएं। लेकिन बात करते हैं थोड़ी सी सोलाना के बारे में, सोलाना का थोड़ा सा टेक्निकली यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमें पता है कि XRP को बहुत बड़ा थ्रेट दे रहा है, यानी कि XRP को बहुत बड़ा कंपटीशन दे रहा है इस वक्त। यहाँ पे मेन रीजन ये है कि XRP का ऑलरेडी लॉसूट चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा हद तक XRP के हक में ही है, यानी कि XRP एक तरीके से जीता हुआ खिलाड़ी है। लेकिन ऐसा है कि जब FTX एक्सचेंज का एक बुरा वक्त आया था, FTX एक्सचेंज जब कोलैप्स हुआ था, बिल्कुल खत्म हुआ था, उसका असर सोलाना के ऊपर पड़ा था। यही मेजर रीजन है कि क्यों सोलाना भी सिर्फ $10 या फिर उससे भी बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, जिसकी वजह से हमें सोलाना में एक बाय करने का मौका भी मिला था। लेकिन एक चीज नोटिस भी करोगे कि XRP ने इतना ज्यादा हमें प्रॉफिट नहीं दिया इतने समय के अंदर, लेकिन अगर हम सोलाना देखते तो सोलाना ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दिया है इस थोड़े से समय के अंदर ही, जो कि $8 तक पहुंचा था। और अगर आपने उस प्राइस पे बाय किया होगा तो आज आप आसानी से बोल सकते 5 से लेकर 8x 9x, यानी कि इतना तो आपने ऑलरेडी कमा ही लिया होगा अगर आपने सही समय पे सेल किया। अगर नहीं किया तो अभी भी सेल करते तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। अभी लगभग $78 के आसपास चल रहा था। अब जैसे ही यहाँ पे फेड मीटिंग का इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर डिस्कशन चल रही थी तो सोलाना का प्राइस नीचे गिरा, जो कि लगभग $65 तक आ गिरा। तो ऐसा मैंने आपको कल के दिन भी बताया था कि चाहे BTC हो चाहे कोई भी ऑल्टकॉइन हो, यहाँ पे करेक्शंस आपको छोटी मोटी मिलती रहेंगी, छोटे मोटे अपडाउन्स मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप ग्राफ को थोड़ा जूम आउट करोगे तो आपको एक रियल फिगर दिखेगी कि किस तरीके से ग्राफ ऊपर ही जा रहे हैं ना कि नीचे आ रहे हैं। तो जिन्होंने सोलाना को लॉन्ग किया हुआ था वो बहुत ज्यादा लिक्विडेट हुए हैं, लगभग $20 मिलियन लिक्विडेशन हुई है सोलाना की। बट आई बिलीव अगर आपने स्पॉट में ही रखा है तो यहाँ पे आपकी जो रिकवरी है बहुत ही ईजिली होने वाली है। एंड इसी तरीके से मैं कुछ और भी अपडेट्स आपको देने वाला हूँ, वो टेलीग्राम के ऊपर दूंगा, वॉलफ्रेड ऑफिशियल के ऊपर। अगर आपको किसी और ऑल्टकॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो बॉन्ग के बारे में हो या किसी मीम कॉइन के बारे में, चाहे वो शिप के बारे में हो चाहे बोन के बारे में, क्योंकि बोन इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा फॉर श्योर। एंड लास्ट वीडियो जाकर चेक जरूर कर लेना जो मैंने LUNC के बारे में डाला है, LUNC USDC, क्योंकि इनका बर्न होने वाला है, बहुत ही बड़ी अपडेट है। हमारा लास्ट वीडियो जाकर चेक जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।